नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल पे। दोस्तों आज हम ये जो मच्छर मारने का रैकेट है इसको ठीक करना सीखेंगे। इसमें जो समस्या आती है दोस्तों कि जैसे हम स्विच ऑन करते हैं यहाँ पर प्लास्टिक के यहाँ से स्पार्क होता है और हमारा जो रैकेट है वो डिस्चार्ज हो जाता है बिना मच्छर मारे। तो दोस्तों इसको हम खोलेंगे और इसमें जो जो जाली लगी होती नेट लगा होता है, तीन लेयर में लगा होता है, वो कई बार पानी चला जाता है या फिर कोई नमी की वजह से वहाँ पे स्पार्क चालू जाता है। आप चाहें तो इसको एक पूरा एक दिन के लिए धूप, तेज धूप में रख सकते हैं, उससे भी आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगर वो भी नहीं होती तो आप इसको खोल लीजिएगा, क्योंकि ये ऊपर से खुल रहा है तो इसको पूरा खोलने की जरूरत नहीं है, ऊपर से ही अपना काम हो जाएगा। कई रैकेट होते हैं उसमें पूरा नीचे तक भी खुलता है। देखिए दोस्तों आप इसके अंदर क्या करेंगे, ये जो प्लास्टिक है इसको थोड़ा सा खोलना है यहाँ से, ताकि हमारी तीन लेयर अंदर की दिख सके। और इसको खोलने से पहले इसको डिस्चार्ज कर लीजिएगा, नहीं कि झटका लग सकता है। देखिए दोस्तों यहाँ से आप इसको यहाँ से हल्के से खोल लीजिएगा, और थोड़ा मुश्किल है खोलना क्योंकि चिपका हुआ होता है, और इसमें जो जो हमारी वायर होती है सर्किट की, तीन वायर जाती है वो जहाँ पे कनेक्शन होता है वहाँ पे क्या होता है कि दोनों पास पास में हो जाती है और हल्की सी नमी के कारण स्पार्क करने लगती है। या फिर इसके अंदर जो नेट लगा होता है वो नेट भी आपस में टच करने लगता है। तो दोस्तों आपको ये तीन चार चीज़ें देखनी है और अपनी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना है। देखिए दोस्तों इसमें यहाँ पे थोड़ा नेट थोड़ा ओवर नेट हो रहा है, तो उसको मैं प्लायर से काट दूंगा, और जो भी इसमें मुझे समस्या दिख रही है तो स्पार्क की, वो इसको मैं दूर करूँगा। दोस्तों कई बार ये समस्या नमी की वजह से होती है, या फिर इसको हम डस्ट की, यहाँ पे गीली डस्ट होती है वहाँ पे रिमोट इसको रैकेट को रख देते हैं, तो उस वजह से भी ये समस्या होने लगती है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसको सिर्फ अच्छी जगह लगे रख रखें या फिर इसको कहीं पे लटका दें। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो नेट था वो थोड़ा सा ऊपर हो रहा था, लोहे की जाली है जो, वो मैंने वापस से इसको सही कर दिया है। अब मैं इसको चेक करके देखता हूँ, अगर ये सही काम करेगा तो मैं इसको वापस से बंद कर दूँगा और काम भी लूँगा। देखिए दोस्तों मैं इसको पुश किया है, अब ये वापस स्पार्क बंद कर दिया है, सिर्फ नेट में ही इसका स्पार्क हो रहा है। दोस्तों अब हम इसको वापस बंद कर देंगे। ये ज़्यादातर प्रॉब्लम हमारे जो नया हमने रैकेट खरीदा है उसी में आती है, पुराने में ये नहीं आती है, क्योंकि कई बार मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी हो जाता है कि नेट आपस में शॉर्ट होने लगता है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा आज का टॉपिक, प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।